अभी गोद भराई हुई थी और इतना बड़ा हादसा, न जाने अंजलि बिटिया पे क्या बीत रही होगी। अरे नंदकिशोर, वो तो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उन्हें अपनी बच्ची खोए दी है। कौन विश्वास कर भी कैसे सकता है ऐसी बात पे। गरिमा, हमको अंजलि को देखने जाना चाहिए अस्पताल। हम तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। काहे से कि ऐसी मुश्किल घड़ी में हम लोगों के साथ नहीं हुई है तो कौन हुई है। चलो चलो मिलके आते हैं, अब चलो उठो, चलो आ जाओ, हम देखते हैं। हेलो, माफ कीजिए बुआ जी, इतनी देर से फोन किया लेकिन। अच्छा किया कि तुमने फोन कर लिया तितलिया, कैसे कि हम दरवाजा पे ही थे, अंजलि के पास अस्पताल जा रहे थे। बुआ जी, हम दी को लेकर घर आ गए हैं। दी अभी सो रही है और नर्स ने कहा कि दी को आराम की सख्त जरूरत है, इसलिए अगर आप कल आएंगे तो अच्छा होगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, उनको तो आराम करना ही चाहिए, हम कल आ जाए हैं बिटिया। एक तितलिया, उनका ध्यान रखना और अर्णव बबुआ का भी, देखना इतनी बड़ी परेशानी का कि हो और की सेहत पे कोनो असर नहीं पड़े। ठीक है, हम रखते हैं। हाय रे नंदकिशोर, खुशी कह रही थी अंजलि घर पहुंच गई है और अब भी आराम कर रही है, तो कल आना, कल ही चलेंगे। हाँ जी जी। सब ठीक हो जाएगा, आप सब ठीक कर देंगे और आप सबको संभाल भी लेंगे, हम जानते हैं, क्योंकि आप अपने बी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो हम देख ही रहे। कितना कर रहे हैं अर्णव, कितना संभाल रहे और कितना बिगाड़ रहे। डॉक्टर की राय ना मान के अंजलि को जबरदस्ती घर ले आए, आप साबित क्या करना चाहते हो? अर्णव, हम आपसे बात कर रहे हैं। मुझसे बात करके कोई फायदा नहीं है दादी। मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है, ती मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं किसी को भी ती को जरा सी भी तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। हम आपको याद दिला दें, जिस इंसान के बारे में आप बात कर रहे हैं वो अंजलि के पति हैं। अंजलि उनकी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। और बच्चा सिर्फ अंजलि ने नहीं खोया, उन्होंने भी खोया है। और ऐसे समय पे अंजलि के साथ रहने का उनका पूरा हक है। उसने अपना हर हक खो दिया है दादी, जो उसने किया उसके लिए शायद आप उसे माफ कर सकती हैं, लेकिन मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आपकी जिद के आगे किसी की कुछ चली है? अगर इसी दौरान अंजलि ने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? ऐसा कुछ किया जो आपकी अम्मा ने किया था? तो अपने आप को माफ कर सकेंगे आप? ती ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आपको ऐसा लगता है कि उनके पति पर हाथ उठाकर उन्हें अस्पताल से बाहर निकालकर आप उन्हें अंजलि के दिलो दिमाग से बाहर निकाल देंगे? अर्णव जी, आप इस वक्त थोड़ा, जो मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ उन्हें साफ साफ एक्सप्लेन करने में बिलीव करना। तो हम ये जानना चाहते हैं किस हक से आप शाम को अंजलि से दूर रख रहे हैं। हम आपको बता दें, उनसे ज्यादा प्यार अंजलि से और कोई नहीं करता। हमने देखा है उनकी आंखों में वो प्यार,
वो लगाओ। अंजलि बिटिया की ऐसी हालत है और आप दोनों एक दूसरे से लड़े थे, जरा उनकी तबीयत। एक मिनट नानी, पहली बार शाम की आंखों में इतना प्यार देख लिया आपने। कल आप उससे पहली बार मिली थी ना हॉस्पिटल में। क्योंकि आज तक तो आप हमारे साथ रहती नहीं थी और शाम से कभी मिली नहीं। पहली बार मिलके इतना यकीन कैसे आपको उस पर? अगले साहब, क्योंकि हम उन्हें आपसे ज्यादा जानते हैं। हमारे सामने रोए हैं वो, गिड़गिड़ा के अंजलि को मांगा है हमसे। हम आपके पास आश्रम में आए थे, वो हमसे मिलने आश्रम में। उन्होंने हमें समझाया इस घर में क्या मुसीबत आई है, लेकिन उन्होंने एक बार भी आपकी जरा से भी बुराई नहीं की, और आपने तो हमारे सामने उनका एक बार भी लिहाज नहीं रखा। और न उन्होंने हमसे सिर्फ ये कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं, जो उनके बच्चे की मां बनने वाली है और जिससे उन्हें बेइंतहा प्यार है। और बाकी की जो गलतफहमियां हुई है। गलतफहमी? कोई गलतफहमी नहीं हुई है दादी, उसकी असलियत सबके सामने बाहर आई थी। और सच ये है कि श्याम जैसा छोटा और घटिया इंसान इस घर में कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। उसने सबके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करी हैं। दिया, एनी आइडिया? मुझे मारने की कोशिश की थी उसने। हम नहीं मानते इस बात को। आप पहले भी भूल कर चुके हैं और दोबारा भी कर सकते हैं। लेकिन दादी जी, नन्ना बिल्कुल सच कह रहा है। सुभद्रा, कौनो गलतफहमी नहीं हुई है। कोई सबूत है इस बात का? दादी, मैं जानता हूँ सच क्या है, और मुझे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। आप बस वो गलती मत कीजिए जो मैं पहले कर चुका हूँ। मैंने भी शाम की असलियत नहीं पहचानी थी, पर अब मैं सच जानता हूँ। आप सच नहीं जानते, आप सिर्फ वो मान रहे हैं जो आपको बताया गया है। Really? फिर तो मैं यही बात आपके लिए भी कह सकता हूँ, राइट? अब मानो या ना मानो, हम इस घर को बचाने आए हैं। 14 साल पहले हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। हम कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि सही और गलत का फर्क दिखना आपको बंद हो गया। No! आप तब भी गलत थी दादी, और आप आज भी गलत हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत आपको ना 14 साल पहले पता था और ना आज पता है। इतने सालों से दी का ख्याल मैं रख रहा हूं, आप नहीं, और आगे भी रख सकता हूं। आप तो हमें छोड़कर चली गई थी ना, फिर क्यों वापस आई आप? क्या लेने आई अपने आश्रम से? वही रहना चाहिए था ना। कल से घर के आसपास हैवी सिक्योरिटी होगी, और मैं शाम के अगेंस्ट कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले रहा हूँ। शाम इस घर में कभी वापस नहीं आएगा। ये पी लीजिए। हमें नहीं चाहिए। अरे आपको खाने की बहुत जरूरत है, थोड़ा पी लीजिए ना। रहने दीजिए सिस्टर।
हम पिला देंगे। अरे आप अंदर कैसे आ गए? कोई है? प्लीज सिस्टर आप चिल्लाइए मत। इट्स ओके सिस्टर, ये हमारे पति हैं। सिस्टर हमें इनके साथ सिर्फ 10 मिनट रहने दीजिए प्लीज। ओके, सिर्फ 10 मिनट। धन्यवाद।